एक संतों की वाणी में एक छोटा सा प्रसंग आता है, छोटी कथा आती है, वो बड़ी सही लगती है हमको। कथा क्या है कि एक आदमी किसी संत महाराज के सेवा देता था। उसका अभ्यास था सेवा देना, प्रतिदिन सेवा दिया करता था और इच्छा कुछ नहीं करता था, मांगता कुछ भी नहीं था। एक दिन उसकी धर्म पत्नी ने उसको सम्मति दी कि देखो, हम लोग का जीवन तो बड़ी दरिद्रता में कट रहा है, कब तक ऐसे ही कटेगा। लेकिन संत संत महात्माओं का बड़ा प्रभाव होता है, यदि आप उनसे आशीर्वाद ले लो तो हमारा भी जीवन थोड़ा सुखमय हो जाएगा, हमें अपने जीवन में थोड़ा बहुत सुख भोग लेंगे। तो पहले तो वो अपनी धर्म पत्नी को समझाता है कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब पत्नी बहुत अधिक हट करती है तो कहता है, चलो ठीक है, मैं जब सेवा में जाऊंगा तो महात्मा जी से कहूंगा। सेवा में पहुंचा, सेवा दी, फिर महात्मा जी के जब चरण सेवा करने लगा तो उसने कहा कि बाबा, हमारे मन में एक इच्छा है। तो संत महाराज ने कहा कि बच्चा, क्या क्या बात है, आज तक तो तुमने कभी किसी इच्छा के बारे में कहा नहीं कि हमारी कोई इच्छा हो, तुम तो हमेशा यही कहते थे कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो अब अचानक से कौन सी इच्छा हो गई। तो उसने सारी बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात है। तो संत महात्मा ने संत महाराज ने कहा कि इसमें तुम्हारी भी थोड़ी बहुत इच्छा है, तुम भी ऐसे चाहते हो। तो वही बात है कि भाई, पैसा किसे बुरा लगता है। तो उसने कहा, हाँ महाराज, जरा थोड़ा बहुत यदि हो तो अभी जो जीवन कट रहा है हमारे दरिद्रता में, इससे थोड़ा सही हो जाएगा। तो महात्मा जी ने तुरंत अपने पास से एक पत्थर उठाया और उसको दे दिया। उन्होंने कहा, देखो ये पारस पत्थर है और इसको ले जाओ, और तुम्हारे पास जो भी सोना हो इससे छुआ देना और वो सोना स्वर्ण का हो जाएगा, तुम संपन्न हो जाओगे। तो उसने कहा, ठीक है महाराज। तो साधु महाराज ने कहा कि लेकिन ये केवल तुम्हारे पास 7 दिन तक रहेगा, 7 दिन बाद मैं स्वयं आकर ये तुमसे ले जाऊंगा, और उस समय तुम कहोगे नहीं, अभी नहीं, 2 दिन और, एक घड़ी और, नहीं, केवल 7 दिन का समय है जब तक कि मैं तुम्हारे द्वार पे ना आ जाऊं, तब तक का समय तुम्हें देता हूं, तुम ले जाओ। ले आया, लाकर उसने अपनी धर्म पत्नी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है और महाराज जी ने पारस पत्थर दिया है। तो पत्नी ने कहा कि देखो, घर में तो इतना लोहा है नहीं, चलो ऐसा है, जो भी हमारे पास पूंजी है ना, जो भी खेत खलियान है, उन सबको बेच देते हैं। तुम ऐसा करो, कल ही साहूकार के पास जाओ और खेतों का जो भी मूल्य मिले, वो कम दे ज्यादा दे ये मत सोचना, जो भी मूल्य वो दे उसमें अपने खेत बेच देना। ठीक है, एक दिन ले आया, दूसरे दिन गया खेत बेचने के लिए, दूसरे दिन खेत बेचे, कुछ धन मिला। तीसरे दिन पत्नी ने कहा, ऐसा करो, शहर चले जाओ और शहर से जितना लोहा ला सको खूब लोहा ले आओ। तीसरे दिन शहर गया, चौथे दिन लोहा लेके वापस आया, 4 दिन बीत गए, है ना, 4 दिन बीत गए। अब लोहे को एक कमरे में उन्होंने बंद कर दिया और जो भी अपने पास जो भी पूंजी थी, जो भी संपत्ति थी, और 2 दिन फिर उनसे आसपास के जितने कबाड़ खाने थे, जितने कबाड़ी थे दुनिया भर का, जहां उल्टी सीधी चीज कबाड़ में आती हैं, 2 दिन उसको इकट्ठा करता था, इकट्ठा करता था। अब आज हो गया 7वां दिन, पत्नी इंतजार कर रही कि 7 दिन हो गए और ये अभी तक लोहा इन्होंने इकट्ठा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, एक घड़ी की बात है, ये आ जाए फिर तुरंत लोहा छुआ देंगे और सब सोना हो जाएगा, महात्मा जी आएंगे तो ले जाएंगे, कोई बात नहीं। अब उसको आते आते सांझ हो गई, इधर महात्मा जी के आने का समय, जल्दी जल्दी आया और कमरे में सारा लोहा 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 जितना कबाड़ा था सब भर दिया। अब छुआने के लिए वो पास पत्थर लेने ही गया अपने कमरे में, इतने में दरवाजा बज गया। तो उसने सोचा कि हो सकता है कोई आस पड़ोस का कोई हो। तो उसने कहा कि ऐसा है, तुम पत्थर लेके आओ और मैं जरा देखता हूँ कौन है।
इतने में दरवाजा खोला तो सामने महात्मा जी, तुरंत प्रणाम किया। बोले महात्मा जी, आप, मैंने तुमसे कहा था ना ठीक 7 दिन बाद में जिस समय तुम्हारे पास आऊंगा उस समय तुम मुझे वो पत्थर दे दोगे। इतने में उसकी पत्नी उसके पास आई, अरे महात्मा जी, हाँ लो ये मैं पत्थर ले आई। पत्थर वो महात्मा जी को से उसने अपने पति को दिया और महात्मा जी ने उसके पति से तुरंत हाथ में से ले लिया। बोले महाराज, महाराज बस एक क्षण के लिए दे दीजिए, एक क्षण के लिए दे दीजिए, मैं बस छुआ दूं, बस मैं पैच करवा दूं उसमें। महात्मा जी ने कहा नहीं, अब नहीं, जो समय तुम्हें दिया था ना वो समय निकल चुका, वो समय व्यतीत हो चुका, अब तुम्हें और अवसर नहीं दे सकता। 7 दिन में तुमने किया क्या? तुमने एक कील को भी सोना नहीं बनाया और घर घर को कबाड़ से भर दिया तुमने। यही स्थिति हमारी है, यही स्थिति हमारी है ना। जब हम भांति भांति के योनियों में भटक रहे थे, घूम रहे थे, यहां सरपटका वहां सरपटका, वहां मरे वहां मरे, है ना। चूहा बने तो बिल्ली खा गई, बिल्ली बने तो कुत्ते ने मार दिया, है ना, कुत्ता बने तो आपस की कुत्तों की लड़ाई में मारे गए, और जंगली क्षेत्र में चले गए तो वहां अपने से बड़े जानवरों ने मार दिया, मछली बने तो बड़ी मछली खा गई, कहीं रक्षा हुई नहीं, बड़े परेशान बड़े परेशान बड़े परेशान, प्रभु ऐसी बात, प्रभु वैसी बात, ये बात वो बात। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें सुख हो जाए, तुम्हें आनंद हो जाए, चलो ये शरीर, मानव शरीर हम तुम्हें दे देते हैं, ये मानव शरीर हमसे ले जाओ, जैसे महात्मा जी से पास पत्थर ले जाओ, इसीलिए इसी प्रकार भगवान ने कहा कि चलो ये पास पत्थर, ये मानव शरीर तुमको हम दे देते हैं, है ना। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, लो इसको ले जाओ और इसका जितना तुम लाभ है उतना तुम उठा लो, और इतने इतने समय बाद ये मैं तुमसे लेने के लिए वापस आऊंगा और उस समय तुम्हें देना होगा। बोले महाराज ठीक है, महाराज आपने तो बहुत समय दे दिया, हम खूब सोना बनाएंगे। अब स्थिति क्या हुई? स्थिति हुई उसी व्यक्ति की तरह। अब जो शरीर हमारे पास था, उसके पास भी जो पूंजी थी, हमारे पास क्या पूंजी, हमारे पास शरीर है, उसने अपनी पूंजी खर्च करी, क्या इकट्ठा किया, कवाड़ा, है ना, कूड़ा कचरा। हमने क्या किया, हमारे पास जो पूंजी थी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये हमारी शरीर हमारी पूंजी थी, हमने क्या किया, इसको हमने खर्च किया और हमने क्या इकट्ठा कर लिया, कवाड़ खाना, सब बेकार की वस्तुएं, क्रोध इकट्ठा कर लिया, काम इकट्ठा कर लिया, लोभ इकट्ठा कर लिया, ईर्ष्या इकट्ठी कर ली, है ना, पाप इकट्ठे कर लिए, द्वेष भावना इकट्ठी कर ली, मेरा तेरा इकट्ठा कर लिया, स्वार्थ इकट्ठा कर लिया, सब सब कुछ हमने इकट्ठा कर लिया। पता है क्या था, ये तो कबाड़ा है। हमने क्या सोचा था कि चलो सब इकट्ठा कर लेते हैं, सब इकट्ठा कर लेते हैं और जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कही आवत नहीं, जब अंतिम समय आएगा तो बस एक बार राम बोल देंगे, बस टच करवा देंगे राम नाम, काम हो जाएगा, टच ही तो करवाना है ना, स्पर्श करवाना है, बस राम नाम स्पर्श करवा देंगे, काम हो जाएगा, बाकी जिंदगी भर कबाड़ा इकट्ठा करो कोई बात नहीं। जिंदगी बीत गई कबाड़ा इकट्ठा करते, जिंदगी भर कचरा ही कचरा इकट्ठा किया। अब जब अंत समय आया, जब समय आ गया और अचानक से यमदूत द्वार पे खड़े आ गए, द्वार पे आके खड़े हो गए। अब जब यमदूत द्वार पे आके खड़े हो गए तो मनुष्य की स्थिति क्या होती है? मैंने कल बताया था ना कि किसी दिन फिर प्रसंग में छेड़ेंगे, उस समय मनुष्य की स्थिति क्या होती है? उस समय मनुष्य की इंद्रियां, जितनी इंद्रियां हैं उसका, है ना, उसकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शिथिल। हाथ तो रहेगा लेकिन हाथ उठा नहीं पाओगे, पैर तो रहेंगे लेकिन चल नहीं पाओगे, कान रहेंगे लेकिन आसपास की बातें सुन नहीं पाओगे, जीवा रहेगी मुख रहेगा लेकिन बोल नहीं पाओगे, आंख रहेगी देख रहे हो लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। देखने से उसका प्रयोग से मतलब अब तुम किसी को आंखों से इशारा करना चाहो नहीं कर पाओगे,
जितनी इंद्रियां हैं सब शिथिल हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा, मन में जिंदगी भर जो तुमने अब तुमने कमाड़ा इकट्ठा किया है उसके पास सामने सामने क्या था, उसने कमरा खोला, जितना उसने जीवन में उसने कबाड़ा उसने इकट्ठा कर लिया शुरू से अंत तक सब उसके सामने था। उसी प्रकार जब अंत से आएगा तो जीवन में जितने तुमने पाप कर्म किए हैं, जितना तुमने दूसरों को सताया है, स्वार्थ किया है, जितना तुमने दूसरों के साथ अन्याय किया है, वो सब का सब एक ही बार में बिल्कुल फिल्म की तरह तुम्हारे सामने सब आ जाएगा। ये पाप, ये पाप, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, सब चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब तुम सोचोगे बस अब मौका आ गया, अब बस धीरे से टच करना है, अब तो बस धीरे से बस राम टच करना है। लेकिन जीवन में कभी भजन किया नहीं, कभी नाम स्मरण किया नहीं, अब इंद्रियां तो हो गई शिथिल। जब इंद्रियां शिथिल हो गई तो बोले कौन, आवाज कहां निकले, अब आवाज निकली नहीं। यमदूत से कहा जब आत्मा निकली, महाज बस महाज एक मिनट के लिए, महाज दो सेकंड के लिए, बस इतना अवसर दे दो, बस राम राम बोलने, इतना बोली जो महात्मा जी से कहा, बस महाज बस एक क्षण के लिए दे दो, बस मैं टच करवा लूं उसके बाद आप ले जाना। यमदूत ने कहा ना लल्ला ना, इतना अवसर नहीं है, जीवन में जो तुम्हारे पास समय था, जो अवसर तुम्हारे पास था, उस समय में तुमने क्या किया, ये कूड़ा कचरा इकट्ठा किया है, ये कबाड़ा इकट्ठा किया तुमने जीवन भर, और सोच रहे हो कि एक ही बार में सब सोना बना दूं, ऐसा नहीं होता है। जो जीवन का आज जो हमारे पास समय है ना, इस समय कभी लौट के नहीं आएगा। आज जो कर लोगे, आज जो कबाड़ा इकट्ठा कर लोगे ना, वो सब इकट्ठा हो रहा है कमरे में, वो सब इकट्ठा हो रहा है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो अंत समय तुमको सब दिखाई देगा। हाँ इस समय ये किया, इस समय ये किया, इस समय ये किया, तो अब समझदारी कहाँ है? समझदारी यही है कि ये मत देखो, अरे ठीक है एक महीने बाद, दस दिन बाद, हफ्ते बाद फिर नाम जप करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर बैठेंगे, फिर एक घंटा करेंगे, फिर दो घंटे करेंगे, नहीं। आज कोई लोहे की कील मिल गई, उसको भी छुआ दिया लोहे, तू भी सोना बन जा। कल को लोहे की पतीली मिल गई, भगवाना मिल गया, उससे भी छुआ दिया लोहे, तुम भी सोने बन जाओ, तुम भी सोना बन जाओ। इकट्ठा नहीं करना है, जो सामने आ गया भैया जय जय श्री सीताराम, आओ भैया बैठ के भजन करते हैं, चलो भैया भगवान का दर्शन करने चलते हैं। रोज रोज जो मिले है ना, रोज जो मिले बस स्पर्श करवाते चलो, भगवान का नाम सबसे स्पर्श करवाते चलो, प्रभु जो भी हुआ प्रभु क्षमा करना, हम तो प्रभु आपके शरण में हैं, बस रोज स्पर्श करवाते चलो, रोज सब कुछ पवित्र करते चलो, कल के लिए कुछ मत छोड़ो, है ना। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, और काल चले गए चुग रही निश्चित दिन आयु खेत, बहुत गई जो जाना था वो चला गया, अब समय है, अब जागे गए ना, अब लो नसानी अब ना नशे हो, बहुत हो गया, बहुत नष्ट हो गई, कोई बात नहीं, जितना कबाड़ा इकट्ठा था ना कोई बात नहीं, पीछे का जो कचरा इकट्ठा है, पीछे के जितने पाप ताप सब इकट्ठे हैं, कोई बात नहीं, कमरा भरा हुआ है, दो कमरे दस कमरे भरे हुए हैं पापों से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहो। कोटि विप्र बदला गई जाहू, आए शरण तुझे नहीं था, है ना, कोई बात नहीं, करोड़ों पाप तुम्हारे एक नहीं, तुम्हारे 10 लाख कमरे भरे हों, है ना, एक हजार कमरे भरे हों, कोई बात नहीं, वो एक नाम एक बार जब टच हो गया ना, तो सब सोना हो जाएगा, सब पवित्र हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा, जितना कचरा दिख रहा है ना वो सब कुछ स्वर्ण हो जाएगा। आज जिसको लोग कह रहे हैं अरे कचरा है हटाओ, वो सब जब पवित्र हो जाएगा ना, सब नाममय हो जाएगा, सब राममय हो जाएगा, तो वही लोग आके चरण छू के आशीर्वाद देंगे, महाजी आशीर्वाद दे दो, महाजी राम जी से प्रार्थना कर दो, महाजी को चार बातें सुना दो, हमारा भी जीवन धन्य हो जाए, वो सब तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन कब, जब सब कुछ तुम भाई वो देख रहे हैं ना, हमारे पास कबाड़ा भरा हुआ है, इनके पास तो सब सोना है, इनके पास स्वर्ण ही स्वर्ण है, हमारे पास अरे हमारे घर में तो ये कचरा भरा हुआ है, वही कचरा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनके यहाँ तो कचरा भरा हुआ है ना, तुम्हारे यहाँ सोना है, तुम्हारे यहाँ सोना है, राम नाम के हीरे मोती, तुम्हारे यहाँ तो सच्चा सोना है ना, तुम्हारे यहाँ तुमने तो इकट्ठा कर रखा है, तुम रोज स्पर्श करवा रहे हो, यही जीवन है, यही जीवन है। जो हमारे पास जीवन में समय मिला है वो इसलिए मिला है, बस
जो मिलता जाए भगवान का स्पर्श करवाते जाओ, जो मिलता जाए भगवान का स्पर्श होता जाए, बस कोई भी दिन ऐसा ना है जब भगवान का स्पर्श ना हो, रोज भगवान का स्पर्श करते चलो रोज, बस इतना ही तो है। राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम, राम 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 सीता राम सीता, इतना ही तो है रोज, बस इतना करना है, बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है, रोज बस अभ्यास बना लो, बस नाम जप करना है, राम 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 राम, बस अभ्यास बना लो, रोज करना है, नाम जप करना है, रोज जो रोज जाने अनजाने जो हम लोग जो ले आ रहे हैं कचरा कूड़ा सब इकट्ठा हो रहा है, जो कोई बात नहीं, रोज स्पर्श करवाते चलो, राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम, जितने पाप ताप संताप जो जाने अनजाने बन रहे हैं ना, वो सब सोना होते जाएंगे, सब पवित्र होते जाएंगे, कोई बात नहीं। अपना नाम नहीं छूटना चाहिए, नाम नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, लगे रहो, वरना अंत समय का हो गया ना, बस अब एक क्षण दे दो, अब एक घड़ी दे दो, तो नहीं मिलेगी उस समय कुछ नहीं मिलेगा। आज है, अभी है, जो है अपने पास है, आज शरीर अपने पास है, शरीर आज यही पास पत्थर, यही पास मणि है हमारे पास, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, यही साधन धाम मोक्ष का द्वारा यही हमारे पास है, और इसी से हम धनवान बन सकते हैं, है ना, इसी से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अब कचरा इकट्ठा मत करो, कबाड़ा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, जो इकट्ठा हो गया ना, बस संकल्प कर लो आज ही सबको स्पर्श करवा देंगे, सब सोना बना देंगे, कुछ नहीं छोड़ना है, सब सोना हो जाएगा, बस आज से ही राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राम राम, आज से ही नाम में रख जाओ, जो बने जैसा बने जब बने जितना बने बिल्कुल चिंता मत करो, बस प्रयास यही करो कि बनना चाहिए, बनना चाहिए, नाम जप होना चाहिए, आज थोड़ा हो रहा है कोई बात नहीं, कल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, लगे रहो, है ना, देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काज बिहाई। अब लोग कहते हैं बहुत जरूरी काम है, कोई बात नहीं, जरूरी काम है चलो ठीक है, पहले तुम जरूरी काम पूरा कर लो, है ना, जरूरी काम पहले पूरा कर लो, कोई बात नहीं, नाम 10 मिनट बात कर लेना, लेकिन वो जरूरी काम करते समय ये ध्यान रखो कि हाँ ठीक है, अगर 15 मिनट हम जरूरी काम कर रहे हैं, हम नाम जीवा से भी नाम नहीं ले सकते, हमारा बड़ा ध्यान हमें करना पड़ता है, भाई साहब हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारी तो करोड़ों की संपत्ति है, अरे हम बहुत ध्यान, कोई बात नहीं, आप अपनी संपत्ति संभालो ठीक है, लेकिन यदि आधे घंटा वहाँ ध्यान दे रहे हो, कोई बात नहीं, संकल्प के साथ कि अब आधे घंटे बैठ के अब भजन करेंगे, अब आधे घंटे बैठ के भजन करेंगे, जिस प्रकार हो जैसे हो, काम काज करते करते करना चाहते हो कोई बात नहीं, काम काज करते करते कर लो, पढ़ते हुए कर लो, चलते हुए कर लो, फिरते हुए कर लो, उठते बैठते कर लो, जैसे भी कर लो, बस ये प्रयास करो कि बस भजन होना चाहिए, भजन होना चाहिए, ये जन्म ये शरीर ये जो पास मणि है ना, ये व्यर्थ नहीं जाए, अंत में तो छुनी जाएगी, अंत में ये छिन जाएगी, हमारी नहीं है ये, तो जिसने दी है वो ले लेगा वापस, लेकिन जिस काम के लिए दी है ना, वो काम कर लो, राम राम कर लो, नाम जप कर लो, विश्वास करो वो कृपा अवश्य करेंगे, कल्याण होगा, अवश्य होगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं, जय जय श्री सीता।